गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु
खूप महत्त्वाचे आहे. भारतीय संस्कृतीमध्ये गुरूंना ईश्वराचे स्थान दिलेले आहे, कारण गुरु हे आपल्या अनमोल जीवनात ज्ञानाचा प्रकाश देऊन येतात. अशा शुद्ध पौर्णिमेला गुरु पौर्णिमा किंवा व्यास पौर्णिमा असेही म्हटले जाते. ज्या गुरूंनी आपले व्यक्तिमत्व घडवले त्या गुरूंविषयी आदर कृतज्ञता दाखवण्याचा दिवस म्हणजे गुरु पौर्णिमा होय. गुरु पौर्णिमा होय. आई वडील आपल्याला पंख देतात आणि त्या पंखात बराडी मारण्याचे यश होय हे आपल्याला उत्तर देतात. उत्तर आपल्याला अज्ञानाच्या अंधारातून ज्ञानाच्या प्रकाशाकडे घेऊन जातात. गुरु आपल्याला भविष्यातील एक चांगला नागरिक बनवण्यासाठी बालकाच्या बालमनावर वृत्तच प्रभाव असतो. या जीवनात मला अभिमानाने जगायला शिकवलं, अन्यायाविरुद्ध लढायला शिकवलं. या सगळ्यांचं मी ऋणी आहे आणि ऋणी राहील. शेवटी एवढंच म्हणू इच्छितो की गुरूंच्या ऋणांशी कृतज्ञ राहावे, मूल आयुष्याचे जाणून घ्यावे. गुरूंच्या ऋणांशी कृतज्ञ राहावे, मूल आयुष्याचे जाणून घ्यावे. गुरूंच्या चरणी स्वर्ग पाहावे, चरणी त्यांच्या नतमस्तक व्हावे, चरणी त्यांच्या नतमस्तक व्हावे. धन्यवाद. तुझा गुरुदेवा पुरता अटळ, सेतला विठ्ठल.
त्यांनी आपले मनोगत व्यक्त करावे. खुशी जैन. Dear Principal Sir, Teachers and all my dear friends, I am Khushi Jain and I am here to deliver a speech on Guru Purnima. First of all, I am wishing you all a very happy Guru Purnima. Basically, India is the land of spiritual master, teachers or guru. We dedicate this day to all our guru. Guru Purnima is also known as Vyas Purnima as it marks the birthday of Maharishi Vyas. Guru play a very important role in our future. They help us to choose the right path for our future. They give us strength to work on it. This day fall on the full moon day of Ashadha month, or in the July or August. Or as a कहते हैं ना कि शिक्षा से बड़ा कोई वरदान नहीं होता. शिक्षा से बड़ा कोई वरदान नहीं होता. गुरु का आशीर्वाद मिले तो इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं होता. इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं होता. Thank you and once again wishing you all a very happy Guru Purnima. जोर से बोलो. आपण दररोजच म्हणतो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णू. मराठीच्या प्रत्येक तासाला हा श्लोक होतो. म्हणजे गुरुला ब्रह्माची विष्णूची महेश्वराची उपमा दिली आहे. उपमा नाही आहेच गुरु परब्रह्म आहे. ब्रह्माला कोणी बघितलं का बोला. ब्रह्माला कोणी बघितलं का. विष्णूला कोणी बघितलं का. पाहावयाशी गेलो देव होऊन बसवलो. देव कोणीच बघितलं नाही. तुमच्या समोर ही जी मंडळी बसली आहे हीच देव आहे. हीच परब्रह्म आहे. हीच ईश्वर आहे. पण आपल्याला समजत नाही. आपल्या डोळ्यावर अंधश्रद्धेची झापड बसलेली आहे. आपण मंदिरात जातो. आपण देव घरात जातो. आपण पूजा पाठ करतो. कशासाठी गुरुजांनी लावून दिले आहे का. मनाची एकाग्रता व्हावी. आपलं मन कुठेही उलटत बैठावी म्हणजे बस मन वडाय वडाय उलट मन पाखरून पाखरून आता होत भुईवर गेलं गेलं आभाळ्यात. ती मन एकत्र करण्यासाठी मनाची एकाग्रता वाढावी म्हणून आपण पूजा पाठ करतो. आपण साखरे घालतो. मला वर्गात प्रथम येऊ दे तेव्हा 90% मार्क मिळू दे. पुढे जातो आपण मंदिरात जाऊन म्हणतो आणि त्याच्यावर करार करतो. तू जर देवा मला जर एवढे मार्क मिळून दिले तर मी तुला 10 नारळ वाहिली आहे ना. तुला प्रेमे वाहिली. आपण करार करायला लागलो बघा. कुठे जाऊन मंदिरात जाऊन आणि आपल्या समोर जे साक्षात परब्रह्म आहे या परब्रह्माला आपण विसरून जातो. हे आपल्याला टोकतात. हे आपल्याला मारतात.
हे आपल्याला रागवतात, हे आपल्याला चांगलं वळण लावतात. आणि हे सगळं कशासाठी करतायत? आपली आई सुद्धा आपल्याला चुकीला रागवते की नाही? बोला जोर से. का रागवते रे? तिथे आपलं प्रेम नसतं का? तिला आपण प्रिय नसतो का? प्रिय असतो नाही? बोलत जा, बोलत जा. असं नुसतं दगडासारखं बसायचं नाही, तुम्ही बोलले पाहिजे, है ना? मंदिराजीला देव बोलतो का? नाही. परंतु वर्गात आले शिक्षक बोलतोय ना? अरे वर्गात आले शिक्षक बोलतात की नाही? आणि काय बोलताय? तुमच्यावर संस्कार व्हावे असं ते बोलताय. तुम्ही देशाचे भावी नागरिक आहात, तुम्ही संस्कारक्षम व्हावं हा उद्देश असतो. परंतु आपण ते वेगळ्या अर्थाने नाही, आपण कोणत्या पद्धतीने कोणत्या दृष्टीकडे कसं पाहतो हे महत्वाचं आहे. सृष्टी किती सुंदर असते, किती सुंदर असते, पण तिच्याकडे पाहण्याची काही दृष्टी नसेल तर त्याचा काही उपयोग नाही. म्हणून आज कवी म्हणतो ना, जशी दृष्टी तशी सृष्टी. ह्या गोष्टी आपण लक्षात घेतल्या पाहिजे. गुरु पौर्णिमेच्या निमित्तानं बाळांनो तुम्ही शिक्षकांची पूजा केली, शिक्षकांचा सत्कार केला, खूप खूप आनंद वाटला. आणि तुमच्यामध्ये जे भाव निर्माण झाले तुमच्या डोळ्यातून, तुमच्या वडिलांमधून, जे शिक्षकांविषयीचा आदर दिसून येतो हा प्रत्येक दिवशी दिसला पाहिजे. आणि पूर्ण जर राखलं समजायचं की हे आपल्या एखादी थप्पड मारली समजता प्यार हक्का होतो. मी आपल्याला बहुत जाते, जो टीचर बहुत जाते बहुत जाते समजणार, हे आमचे बहुत जाते बहुत प्यार सारखे असते. क्योंकि वो आपको सुधारना चाहिए, ये बात हमेशा ध्यान रखना है. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.
Honorable Principal Sir, respected teachers and dear children, good morning. तो सबसे पहले तो सभी गुरुओं को मेरा वंदन। और आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है, तो ऑर्गेनाइजर जो है अपने नए सीसीए के इंचार्ज श्री गावित सर और तल्लीकर सर, उनके लिए तालियां बजा दो एक बार। बहुत अच्छे, क्योंकि पहली बार इस तरह का प्रोग्राम आयोजित हुआ है, तो ऐसा होना चाहिए। तो आप सबको पता है कि अपना देश गुरु शिष्य परंपराओं से ही चला है। पहले जो परंपरा थी वो गुरुकुल की थी, अब कुल गुरु हो गया, उल्टा हो गया। पहले गुरुकुल था, यानी शिष्य को गुरु के घर पढ़ने के लिए जाना पड़ता था। इवन हमारे भगवान भी अपने गुरु के घर गए। प्रभु श्री राम के गुरु कौन थे, कोई बताएगा? महर्षि वशिष्ठ उनके गुरु थे। श्री कृष्ण के गुरु सांदीपनि थे। ध्यान रहे, विवेकानंद जी ने कहा है, स्वामी विवेकानंद को जानते हो ना? हाँ, तो उनके गुरु कौन थे? पता है भाई? हाँ, रामकृष्ण मिशन ही आपका आवेदन सिटीजन प्रोग्राम चलाते हैं, लेकिन होते हम जरूर जल्दी भूलते हैं, लेकिन हमें आशा करते हैं कि जो स्पार्क हम इग्नाइट करते हैं, आप जरूर उसको कैरी करेंगे और बड़े होंगे तो इसके बारे में जरूर पढ़ेंगे। बच्चों, अगर हम हमारी संस्कृति के बारे में नहीं पढ़ते हैं तो हमारा जो एजुकेशन है वो हॉलो होता है, खोखला होता है, उसको कोई बेस नहीं होता। और हमें ऐसे जो पढ़े लिखे रोबोट होते हैं उसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आगे जाके अगर स्पिरिचुअल उसको बेस नहीं है तो वो एजुकेशन का ठीक से इस्तेमाल नहीं करते। और जो वोक कल्चर आजकल तैयार हो रहा है तो उसी का नतीजा है। तो गुरु पूर्णिमा, आप जानते हैं कि जो वेद व्यास थे, महर्षि व्यास, जिन्होंने महाभारत लिखा, रचना की, उनके जन्मदिन के लिए मनाया जाता है व्यास पूर्णिमा, उस दिन होती है। और उनको हम वेद व्यास भी बोलते हैं। वेद व्यास जिन्होंने जो वेद थे उसको कंपाइल किया, वेदों को वैसे भगवान की वाणी बोला जाता है, लेकिन वेद व्यास ने उन्हें कंपाइल किया और उनको चार भागों में बांटा। चार वेद जो है उनको चार पार्ट्स में उन्होंने बांटा। और एक कब, जब आप जानते हैं कि हमारी जो ज्ञान परंपरा है, इंडियन नॉलेज सिस्टम, जिसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी बोला गया है इंडियन नॉलेज सिस्टम, ये इतनी पुरानी है कि जो यूरोप का ज्ञान आप सर पे लेकर नाचते हो कि यूरोप ऐसा और पश्चिम ऐसा, तो पश्चिम के लोग जब कपड़े पहनना भी नहीं जानते थे, इतने आगे थे। उससे पहले भी हमने वेदों की रचना कर दी थी और हमारे स्क्रिप्चर्स जो आज भी पूरी दुनिया को इग्नाइट करते हैं उसकी रचना हो चुकी थी। तो हमारी संस्कृति कितनी महान थी आप खुद यकीन कर सकते हैं। तो जो आपको ज्ञान देते हैं कि पश्चिम में ऐसा हुआ वैसा हुआ, उससे पहले अपनी ज्ञान परंपरा जरूर आप पढ़ें, जिसमें गुरु का महत्व अनन्य साधारण है। जो महान गुरु शिष्य परंपरा मैंने आपको बताई वो सिर्फ हिंदुइज्म में नहीं है, बुद्धिज्म में भी है, जैनिज्म में भी है और सिखिज्म में भी है। भगवान बुद्ध के जो पहले पांच शिष्य थे, उनको जब वो सारनाथ आए और
वहां पर भी उन्होंने जो उनको प्रवचन दिए उनकी भी पूजा इस दिन की जाती है, वही गुरु शिष्य परंपरा शुरू हुई ऐसा माना जाता है। सेम जैनिज्म में भी है और सिखिज्म में भी है। तो हर एक धर्म पंथ में और हमारे कण कण में गुरु शिष्य परंपरा बसी है। हम आज भी उसी परंपरा के टाइप होकर आगे बढ़ते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको सही सही ज्ञान चाहिए तो वो आपको अपने से पॉसिबल नहीं है, आपको गुरु की जरूरत पड़ेगी। जो विवेकानंद जी ने कहा था कि को अहम, मैं कौन हूँ, अगर ये जानना है तो आपको गुरु की जरूरत जरूर पड़ेगी। और जो अद्वैत, अद्वैत माने क्या, दो नहीं सिर्फ एक, अद्वैत वेदांत जो है जिसमें आत्मा और परमात्मा, आत्मा माने कौन, हम, आपके बीच में आत्मा है ना, अरे है क्या, हाँ कि जो किया इंग्लिश लिटरेचर में एपिक है जिसमें एक आदमी जो है अपना आत्मा बेच देता है मेफिस्टोफेलिस को, हाँ ऐसा बेचा है ना, आपके पास ही है। हाँ तो अद्वैत वेदांत ये मानता है कि आत्मा एक परमात्मा का अंश है, वो अलग नहीं है, वो परमात्मा का ही अंश है। माने आप जो हो, आप किसके अंश हो, किसके अंश हो, भगवान के अंश हो। हम सभी, सभी भूत जितने हैं उतने सभी भगवान के अंश है, इसे बोलते हैं अद्वैत वेदांत। माने आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है। तो अगर अलग नहीं है तो आत्मा को परमात्मा के पास तो जा सकता है, उसी को हम मोक्ष बोलते हैं। सारे सारे पंथ, सारे धर्म, सारी स्पिरिचुअलिटी, सारा अध्यात्म, सारी थियोलॉजी इसी के ऊपर है कि आत्मा कैसे परमात्मा में विलीन हो सकता है। ज्ञान प्राप्ति, जिसे हम हमारी भारतीय संस्कृति में मोक्ष बोलते हैं। माने जो जीवन मरण का चक्कर है ना, हम मानते हैं जीवन मरण का चक्कर, इस के चक्कर से अगर छुटकारा पाना है, मोक्ष प्राप्ति पानी है, तो आत्मा का परमात्मा से मिलन होना जरूरी है। और उसके लिए गुरु की सख्त जरूरत होती है। गुरु के बिना ज्ञान आपको सही सही नहीं मिलेगा। और हमारे देश में, भारत में जितनी गुरु शिष्य परंपरा बहाल है वो वैसी आपको कहीं नहीं मिलेगी। बहुत पूरी दुनिया में गुरु शिष्य परंपरा है, लेकिन उसको शुरू करने वाले हम हैं। तो बच्चों, मॉडर्न पर्सपेक्टिव में अगर आप देखेंगे तो ये हमने शुरू रखी है। थोड़े से मायने बदल गए हैं। आजकल बड़े दुख की बात है कि गुरु भी कमर्शियल हो गए हैं। ये जो कोचिंग क्लासेस है ना, उग रहे हैं जैसे मशरूम उगते हैं, उन्होंने तो गुरुओं का नाम ज़्यादा खराब कर दिया है, क्योंकि वो पैसों के लिए पढ़ाते हैं। और आपको भी वैसे अच्छा लगता है, आपको भी पैसे देकर ज्ञान मिला तो अच्छा लगता है। नवोदय का ज्ञान फ्री में मिला तो उसका वैल्यू नहीं है। आप उसका आत्मपरीक्षण जरूर करें, इंट्रोस्पेक्शन इज नीडेड। वैसे देयर इज नथिंग फ्री इन दिस वर्ल्ड, बट कमर्शियलाइजेशन ऑफ नॉलेज इज अ वेरी सैड थिंग, बड़ी दुख की बात है। तो वो गुरु नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन गुरु और शिष्य में जो मर्यादा होती है उसका कई बार उल्लंघन हो रहा है, हम देख रहे हैं। तो वो जो आदर होता है वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो रहा है। आप जरूर इस बात का ख्याल रखें, जरूर इस बात का ख्याल रखें कि जो भी गुरु, पहली गुरु तो आपकी मम्मी होती है, पापा भी होते हैं, क्यों पापा दो नंबर पे आते हैं, लेकिन सबसे पहली गुरु होती माँ है ना। इसलिए हम मातृभाषा बोलते, पितृभाषा नहीं। मातृभाषा माने जिस भाषा में आप रो रहे थे और जिस भाषा में आपकी मम्मी ने आपको चुप कराया, आपको सहलाया, वही आपकी मातृभाषा है। तो वहां से लेकर जो जो भी ऐसा व्यक्ति, आप देखो गुरु माने जो चार
चार दिवाली में आपको पढ़ा रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश मराठी पढ़ा रहा है, सिर्फ वही गुरु है क्या? नहीं, ध्यान रहे आप गलती न करें। गुरु कोई भी हो सकता है जिससे आपको ज्ञान प्राप्ति हो। खेत में काम करने वाला किसान से अगर आप कुछ सीख रहे हैं कि किस तरह से मेहनत से रोटी कमाई जाती है, तो वो भी आपका गुरु है। और सच्चा अलर्ट विद्यार्थी जो होता है ना, वो ज्ञान पिपासु होता है। जहाँ से मिले वहाँ से ज्ञान, जहाँ बढ़ता है वहाँ से ज्ञान उठाता है और सबको गुरु मानता है। मिशन भी हमारा गुरु है जो हमें सिखाता है। तो ऐसे सभी व्यक्ति का आप जरूर ऋणी रहे। सभी बच्चे सुन रहे हैं ध्यान से? सिर्फ जो गुरु आपको टेक्स्ट बुक पढ़ाता है वो आपका गुरु है, वो तो है ही, वो आपका फॉर्मल गुरु है। लेकिन ऐसे सभी व्यक्ति जिससे आप ज्ञान सीखते हो, जिससे आप ज्ञान लेते हो, उनके प्रति आप जरूर ऋणी रहे। अगर आपको एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना है तो आपके मन में भाव जरूर होना चाहिए कि जिससे मैं कुछ सीख रही हूँ, सीख रहा हूँ, वो मेरा गुरु है। अब उसके प्रति आपको जाकर पैर पकड़ना जरूरी नहीं है। पैर पकड़ना तो एक फिजिकल आप दिखा रहे हैं, एक पैर छूना बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप कई जगह पर कई लोगों से पैर नहीं छू सकते, तो आप मन में ही एक कृतज्ञता भाव अगर रखोगे कि जिनसे भी मैं सीखा उनके प्रति मैं कृतज्ञ हूँ, तो आप जरूर आगे बढ़ोगे। और आपकी जो आपका जो नॉलेज का हेरिटेज है, आपकी गठड़ी जो है ना नॉलेज की, वो बढ़ती जाएगी और आप में विनम्रता आएगी। विद्या विनय शोभते, मराठी में कहा जाता है कि विद्या माने नॉलेज तभी शोभा देता है जब वो नम्र होता है। अगर आप में एरोगेंस है, आप में आप इगोइस्टिक हो, आपको आपके नॉलेज का गर्व है, तो आप समझ लीजिए कि वो नॉलेज सच्चा नहीं है। मराठी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते ना, आदत है ना, गगड़ी छलकत जाए, उथड़ पाना का है। अरे मराठी पढ़ते हो जी भाई, उथड़ पाना फड़कड़ाट फार। नर्मदा देखी ना, नर्मदा नदी का आवाज आता है क्या? नहीं। लेकिन कोई झरना होता है कितना खड़कड़ रहा, तुरंत चार महीने हुआ नहीं सूख जाता है, लेकिन नर्मदा का पानी सूखता है नहीं, आवाज आता है नहीं, बिकॉज द नॉलेज इज वेरी गुड। तो ध्यान रहे कि अगर आपके पास सही में नॉलेज है तो आप जरूर नम्र होंगे, आप जरूर पोलाइट होंगे। और ये आपको तभी ध्यान में आएगा जब सही सही नॉलेज आपको आपके गुरुओं के थ्रू मिलेगा। आप किताबों को भी गुरु मानो। जो किताब आपके लाइब्रेरी में है, जो जो किताब आपको मिलेगी वो भी एक गुरु है। किताबों के बारे में कहा जाता है कि दे आर द लाइब्रेरी ऑफ द फाइनेस्ट माइंड्स। देखो शेक्सपियर गया, बेकन गया, लेकिन उन्होंने जो किताब लिखी वो उसमें जिंदा है। आप उनको गुरु मान सकते हो, उनको पढ़ सकते हो। और आपके एज में ऐसा कहा जाता है कि महीने में एक बायोग्राफी जरूर पढ़नी चाहिए, बाकी आप नॉवल पढ़ो, लेकिन बायोग्राफी जो आत्मचरित्र है, किसी भी महान व्यक्तियों के आत्मचरित्र, महीने में एक किताब पढ़नी चाहिए। आत्मचरित्र बहुत मजा है, हमने लाइब्रेरी में जरूर पढ़े, वो भी आपके गुरु है। आपको पता चलेगा कि किस तरह से लोग कैसे महान बने, किस तरह से उनके जीवन में समस्याएं आई और कैसे गुरुओं ने उन्हें गाइड किया, ये आपको पता चलेगा। तो गुरु पूर्णिमा सिर्फ मनाने से नहीं चलेगा, आपको आपके अंदर झांकना होगा और देखना होगा कि क्या मैं मेरे गुरुओं का सही सही रिस्पेक्ट करता हूँ। झांके देखो, अभी झांको जरा, अंदर झांकना जानते हो ना। हमारी ज्ञान परंपरा ये कहती है कि अगर आपको सही में भगवान मिलाना है तो बाहर मत जाओ, अंदर जाओ। अंदर अंदर जाओगे तभी आपको ज्ञान प्राप्ति होगा, बाहर जाओगे तो ज्ञान नहीं मिलेगा। तो अंदर झांक के देखो कितने लोग अपने गुरु जी का सम्मान करते हैं। अगर नहीं करते हो तो पछतावा करो और आज से सीखो कि मेरे मन में ऐसे कभी बुरे विचार नहीं आए मेरे गुरु के मन बारे में। और जो भी गुरु ज्ञान दे रहा है, अगर गुरु ऐसा होता है, एक भी व्यक्ति गुरु ऐसा है जो कुछ भी रिजर्व नहीं रखता है, वो सबको दे देता है, सभी उसके पास जो है सब कुछ। बाकी लोग रिजर्व रखते हैं, थोड़ा सा बैलेंस रखेंगे, लेकिन गुरु को भी ऐसा नहीं करता। वो पूरा होल हार्टेडली, जैसे बादल पूरा पानी बरसा देता है, वैसे गुरु पूरा पूरा ज्ञान है। तो उसको ये लगता है कि मेरा शिष्य मेरे से महान बने।
हमेशा ध्यान रखो। तो गुरुओं का रिस्पेक्ट करो। अगर आपके मन में ऐसे विचार है तो डिस्पेल करो उसको, उसको खत्म करो, ऐसे विचारों को आप नष्ट करो और सही ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने गुरुओं का हमेशा सम्मान करो। सबको इस गुरु पूर्णिमा में फिर से शुभकामनाएं। और ये जो प्रोग्राम किया रामी सर ने और तल्लीकर सर ने, उनका भी अभिनंदन। और ऐसे किसी के प्रोग्राम अभी हमें देखने मिलेंगे ऐसी आशा करते हैं। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। भारतवर्ष में नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है ना, आज ही के दिन 2020 में लागू हो गई थी। और उसी के तहत उसे थोड़ा याद करने के लिए उसे और हम जानने के लिए भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शिक्षा सप्ताह यानी 22 तारीख से 28 तारीख तक ये शिक्षा सप्ताह मनाने का प्लान बनाया है। और आप लोग का आशा बोर्ड पे देख रहे हैं है ना, शिक्षा सप्ताह आज से शुरू हो चुका है। राइट, उद्देश्य ये है कि गत 4 साल में हमने क्या कुछ इस नई शिक्षा प्रणाली से सीखा है ना, इसका थोड़ा हम लोग अवलोकन करें, प्रोस्पेक्ट करें। और जो जो डायरेक्टिव्स है, जो मार्गदर्शक तत्व इसमें सम्मिलित है, क्या उसे हम इन राइट वर्ड एंड स्पिरिट में इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं, कर पा रहे हैं तो सच में इसका हमें क्या कुछ फायदा हो रहा है ना, इस पर थोड़ा अवलोकन करने के लिए भारत सरकार ने, खास करके शिक्षा मंत्रालय ने ये प्रोग्राम आयोजित किया है। और हमारे स्कूल में भी ये आने वाले 7 दिन तक मनाया जाएगा। हमारे नए जो शिक्षक साथी हैं, सुमन भाई गामित PGP हिंदी, तो इन्होंने कल ही एक सर्कुलर हमारे प्लान के तहत है ना सबके लिए सर्कुलेट किया है। और उस तरह से सभी लोग इसमें सम्मिलित होंगे और ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छी तरह से सुचारू रूप से गाड़ी के साथ इंप्लीमेंट करेंगे। राइट, इसका फायदा हम सभी को होगा। राइट, तो
निश्चित रूप से जो हमारी एनईपी 2020 है इसका बहुत ही बड़ा उद्देश्य है और ये उद्देश्य को उजाला देने के लिए ये कार्यक्रम दिन ब दिन आपके लिए लागू होगा, है ना। हम लोग देख रहे हैं कि पहले भी जो शिक्षण नीतियाँ आगे जिसमें अलग अलग तत्व सम्मिलित थे, लेकिन जैसे ही समय गुजरता है तो नए नए विचार सामने आते हैं, नई नई जो ज़रूरतें होती है उस ज़रूरतों को मद्देनजर रखते हुए, है ना, कुछ बदलाव शिक्षा नीति में किए जाते हैं और उसी के तहत, है ना, आजकल का दौर थोड़ा व्यवसाय का दौर है ना, रिसर्च का दौर है और जो जो चीज़ें इन ज़रूरतों को पूरे करने के लिए हमें ज़रूरी है वो सभी चीज़ें इसमें सम्मिलित किए हैं, खास करके वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, है ना, जो व्यवसाय आहे, कारण माणसाला जगायचं म्हटलं तर व्यवसायाची आवश्यकता असते आणि ही आवश्यकता लक्षात घेऊन, है ना, शिक्षणाचं व्यावसायीकरण किंवा शिक्षणामधून व्यवसाय कसा करता येईल हे शिकवण्याचा मुख्य जे टार्गेट आहे ते टार्गेट यामध्ये प्रामुख्यानं सम्मिलित करण्यात आलेलं आहे, राईट। त्याच माध्यमानं तुम्हाला बॅगलेस डे नावाची एक कन्सेप्ट एक प्रोग्राम यामध्ये आयोजित करण्यात आलेला आहे, त्याचाही उद्देश, है ना, गेल्या वर्षी तुम्ही वेगवेगळ्या ठिकाणाला भेटी देऊन आला, जसं गावातील वेगवेगळे व्यावसायिक असतील, आर्टिझन्स असतील, है ना, कदाचित मग तो मटके बनवणारा कुंभार असेल किंवा केस कापणारा बार्बर असेल किंवा किराणा दुकानदार असेल, आणखी खूप सारे व्यवसाय आहेत, त्या ठिकाणाला जाऊन भेट देणे आणि तुमच्यामध्ये सुद्धा तसा एक पर्स्पेक्टिव्ह एक दृष्टिकोन निर्माण करणे, ज्यामुळे उद्याचे तुम्ही उद्योगपती झाले पाहिजे, व्यावसायिक झाले पाहिजे, हा प्रामुख्यानं या शिक्षण नीतीमधला जो महत्त्वाचा घटक आहे, त्यासाठी हे जे बॅगलेस डे नावाची कन्सेप्ट आणि त्यासाठी आवश्यक असणारा जो प्रोग्राम आहे तो आयोजित करण्यात आलेला आहे। असे आणखी खूप काही घटक वेगवेगळे डोमेन्स यामध्ये आहेत ज्याची माहिती आमचे शिक्षक पुन्हा पुन्हा देतील आणि तुम्हाला त्याचा फायदा होईल। निश्चितच दोन शब्द गुरुबद्दल की गुरु ही जी परंपरा आहे त्यामुळे विश्वामध्ये भारताला एक वेगळं स्थान निर्माण होतं, है ना। गुरु ही जी परंपरा आहे की प्रत्येक माणसाला एका गुरुची आवश्यकता आहे, है ना। आज आम्ही त्याचे वेगवेगळे रूप बदललेले आहे, है ना। शायद हो सकता है कि आजकल हम उसको मेंटर कह रहे हैं, गाइड कह रहे हैं या काउंसिलर कह रहे हैं, ये सभी और कुछ नहीं बल्कि गुरु है, है ना। ये हमें समय समय पर केवल ज्ञान ही नहीं देते हैं लेकिन मिला हुआ ज्ञान क्या आप लोग सही सुचारू रूप से, है ना, इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं, है ना, इसकी जानकारी देना, देखभाल करना और समय समय पर आपको गाइड करना, जिसके चलते आपका जो व्यवहार है या आपका व्यवहार है, है ना, वो स्वीकार्य है या नहीं है, है ना। क्योंकि जो कुछ हम करते हैं तो स्वीकार्य होना चाहिए, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, वैचारिक रूप से स्वीकार्य अगर हमारा व्यवहार है तो निश्चित रूप से हम कहते हैं कि जो ज्ञान आपको मिला है वो ज्ञान का इस्तेमाल आप सही दिशा में सही कार्य के लिए कर रहे हैं। अगर वो ठीक नहीं हो रहा है तो वहाँ गुरु की ज़रूरत होती है। हमारे माँ, हमारे पिताजी, हमारे भाई बहन, हमारे मित्र, ये सभी हमारे लिए समय समय पर गुरु होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम नॉर्मली गुरु बनाते हैं, है ना, धार्मिक रूप से भी हम गुरु बनाते हैं, राइट। उसका कारण ये है कि हमारा व्यवहार, हमारे एक्शंस कि वो सुचारू रूप से, है ना, ठीक ठाक हो,
और उसी के तहत ही हम भारतीय लोग है ना, आपके माँ बाप आपको बताते होंगे कि एक्स और वाई मेरा गुरु है ना। तो उसी प्रकार से ये जो गुरु परंपरा है, गुरु परंपरा काफ़ी पुरानी है ना, प्राचीन है, और इसको हम लोग एंटिक रूप में है ना, एंटिक पीस करके साइडलाइन नहीं कर सकते। आज भी उसकी उतनी ही कहो या पहले से भी ज़्यादा आज जरूरत है। आज का जो कहो कि व्यक्ति है, विद्यार्थी है, ये काफ़ी मीडिया से प्रभावित है। अलग अलग किस्म के मीडिया हमारे मन मस्तिष्क पे हावी हो चुके हैं, परिणाम की कौना दुष्परिणाम भी ज़्यादा है। तो आज आप लोगों को काउंसलिंग देने की जरूरत पड़ती है। उसका कारण ये है कि पहले जो परंपरा थी गुरु की है ना, जो गुरु हमें जैसे हमारी कुटुंब पद्धति थी, संयुक्त कुटुंब पद्धति है ना, घर में जो फैमिली है, आज केवल न्यूक्लियस फैमिली है ना, माता पिता और एक आधा बच्चा। तो ये न्यूक्लियस फैमिली में जो सोशलाइजेशन ऑफ थॉट्स है, सोशलाइजेशन ऑफ बिहेवियर है, ये होने के लिए चांस नहीं है। इसलिए आज का अगर जो घटक है, व्यक्ति के रूप में जो घटक है, उसको जो ज्ञान है, ज्ञान तो मिल रहा है लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे करना, ये जानकारी समय समय पर देना, उसको आकार देने के लिए गुरु की कमी है। जिसके चलते आज बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे युवक अग्रत भी दिशाहीन वर्तन करते हुए, दिशाहीन विचार करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, कि आप लोग है ना, आज आपके लिए जो उपलब्ध गुरु है, तो उसका मार्गदर्शन समय समय पर लेते रहे भाई। और आपका जो लाइफ है, आपका जो व्यक्तित्व है, उसको अच्छा आकार देने की प्रयास करें। कहा जाए तो गुरु वो है ना, कि जो आपके व्यक्तित्व में है ना, एक प्रकार की बैटरी निर्माण करता है, विचार की बैटरी है ना, मूल्य की बैटरी जो निर्माण करता है, वो गुरु है। ना कि केवल कोई आपके लिए टॉर्च लगा कर रेल गुरु हू इग्नाइट्स अ सॉर्ट ऑफ बैटरी, अ टॉर्च विद इन यू। आपके मन मस्तिष्क में अगर कोई विचार की टॉर्च निर्माण करता है, वो सही गुरु है ना। क्योंकि आज केवल टॉर्च दिखाकर, रास्ता दिखाना, विचार बताना इतना ही इनाफ नहीं है, बल्कि जो अच्छी सोच के अगर टॉर्च आपके मन में निर्माण होती है, तो निश्चित रूप से आपका जो आने वाला कल है, ये बहुत अच्छा होगा। इसलिए आप उपलब्ध गुरुओं का सम्मान करेंगे, इनसे ज्ञान लेंगे और आपका जीवन सुचारू बनाने के लिए हमेशा प्रयास करते रहेंगे। ऐसी मैं इस समय में अपेक्षा करता हूँ और सबको इस पावन पर्व में हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। और आज ये जो कार्यक्रम हमारे नए शिष्य विचार श्री गामित सर और पुराने आर सदस्य, नए सीसीए कमेटी के सदस्य कर्मिका सर, इन्होंने ये जो कार्यक्रम सुचारू रूप से यहाँ संपन्न करने के लिए प्रयास किए, उनका अभिनंदन करता हूँ। और आप उनका अभिनंदन जोर से एक बार तालियां बजाकर करेंगे। और उसका सूचना भी इस समय देना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित होता है, वो वेल प्लान हो।